warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम करेंगे इंडिया रशिया रिलेशनशिप. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के एसएसबी के लिए. चलिए फटाफट शुरू करते हैं और इससे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी एसएसबी में और ये सवाल पूछा कैसे जाएगा. देखिए इंडिया रशिया रिलेशनशिप आपसे सिंपल वे में पूछा जाएगा. आजकल पुलवामा अटैक बहुत ज्यादा न्यूज में है. रशिया ने साथ दिया हमारा पुलवामा अटैक में. रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप 70 इयर्स प्लस है. तो वो सिंपल आपसे पूछेंगे भाई रशिया ने इंडिया का आज भी साथ दिया, आज भी वो खड़ा रहा, तो आप इंडिया रशिया रिलेशनशिप के इंडिया रशिया के रिलेशनशिप पे थोड़ी रोशनी डालें. पुट सम लाइट ऑन इंडिया रशिया रिलेशनशिप. और ये टॉपिक आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेक्चर में भी ये आ सकता है और जीडी में भी ये पूछा जा सकता है. चलिए फटाफट शुरू करते हैं. उससे पहले हम थैंक्स करेंगे अमन गुप्ता का. उन्होंने हमसे लास्ट वीक ये कहा था कि आप प्लीज इंडिया रशिया पे एक वीडियो बनाइए. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि एसएसबी पूछा जा सकता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम उसको उस पर जरूर आपसे बात करेंगे और उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे. चलिए फटाफट शुरू करते हैं. देखिए अगर हमें हिंदुस्तान और रशिया के रिलेशनशिप को समझना है तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा, जिसमें हम ये बात जानते हैं कि 1947 में दो देश आजाद हुए थे. एक था पाकिस्तान, दूसरा था इंडिया. पाकिस्तान की आजादी के तुरंत 2 महीने 6 दिन बाद उसको एक नेशन रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और वहां से ही उनका रिलेशनशिप वहां से स्टार्ट हो गया. वो ईरा 1947 का एक कोल्ड वॉर ईरा था और इंडिया का साथ वहां पर सोवियत यूनियन के साथ चल रहा था और तभी से हमारे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए. इतने अच्छे चले कि 2003 में हमने इंदिरा नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज साथ में करनी शुरू कर दी जो कि हम बाय एनुअली हम करा करते थे. अब देखिए इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप को आप कैसे भी कहें या बहुत अच्छी दोस्ती कहें, बट ये एक टाइम टेस्टेड प्रूवन रिलेशनशिप है. और कैसे है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं. देखिए और यहां पर इसमें सबसे पहली बात यह है कि रशिया के द्वारा जब हम सोवियत यूनियन, तब तो वो रशिया की जगह सोवियत यूनियन जाना जाता था, तब उसने इंडिया का स्टैंड लिया था रिगार्डिंग कश्मीर एंड गोवा की कश्मीर गोवा इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट. 1962 में जब इंडिया पाक लड़ाई हुई थी तो हमें मेक 21 की जरूरत थी और तब इन्होंने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारी मदद की थी जबकि चाइना को उन्होंने मना कर दिया था. वहीं तीसरी बार उन्होंने हमारी मदद 3 बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए की इंडिया के फेवर में ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो कि 1971 में हुई थी. अब आते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में. अभी क्या हुआ है कि पुलवामा अटैक होने के बाद वहां से एक स्टेटमेंट निकलती है. मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूं. वी डिनाउंस टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन एंड रीट्रेड द नीड टू कॉम्बैट दिस इनह्यूमन एक्ट with decisive and collective response without any double standard. देखिए वो सिंपल ये कह रहा है कि टेररिज्म को हम खुलेआम नकारते हैं और उसके द्वारा मतलब टेररिज्म को किसी भी एक्शन के द्वारा शो करना वो एक ही गलत काम है और इस इनह्यूमन एक्ट के खिलाफ हम बहुत स्ट्रांगली खड़े होंगे, कलेक्टिवली खड़े होंगे बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के. ये पुलवामा अटैक के फेवर में एक मतलब सॉरी रशिया का एक कमेंट था इंडिया के फेवर में रिगार्डिंग पुलवामा अटैक. अब देखिए ये सब हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बात कर ली, बट अब आती है मिलिट्री डिपेंडेंसी की. क्यों आज भी इंडिया एक रशिया पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और आज हम हमेशा सुनते हैं कि हमने रशिया से वो हथियार बाय किए, ये हथियार बाय किए. तो हमने कितने हथियार बाय किए? हम टोटली उनपे डिपेंडेंट है 68% मिलिट्री हार्डवेयर पे. अब अगर मिलिट्री हार्डवेयर पे आप बात कर रहे हैं कि मिलिट्री हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है, सपोज आपने होंडा की बाइक खरीदी है, तो अगर होंडा की बाइक खरीदी तो उसके मेंटेनेंस के लिए कौन से पार्ट्स चाहिए? ऑब्वियसली होंडा के पार्ट्स ही होंगे. अब सेम वे में अगर हमें अपने मिलिट्री हार्डवेयर की मेंटेनेंस करनी है तो पार्ट कहां से आएंगे? वो भी रशिया से आएंगे ना. देयरफॉर वी कैन नॉट बैक अवे फ्रॉम रशिया. हम रशिया को छोड़ नहीं सकते. वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे देश की हथियारों की मेंटेनेंस नहीं होगी तो हमारे देश की सुरक्षा कैसे होगी? इसलिए हमारे लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पर रशिया की हमारे ऊपर पूरी नजर है, उसे पूरा पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कहां इंडिया इंक्लाइन हो रहा है. इंडिया यूएसए के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, सॉरी 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है. उसका नाम है वज्र प्रहार,
युद्ध अभ्यास और शत्रु जीत जो हमने 2006 में की थी। रशिया ने यह साफ साफ दिखा दिया, देखो तुम यहां ऐसे इंक्लाइन हो रहे हो तो हम भी, तुम्हारा एक जो दुश्मन है पाकिस्तान उसके साथ हमारी दोस्ती है और उसके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, द्रुजभा जिसका मतलब है फ्रेंडशिप। बट इंडिया ने साफ कर दिया, देखो भाई चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी को कुछ भी दिखा रहे हो पर हम आपके अच्छे दोस्त हैं। कैसे? देखिए रशिया ने क्रेमिया हथिया लिया था जिसकी वजह से रशिया पे सैंक्शन लग गए थे इंटरनेशनल लेवल पे बाय यूएसए एंड स्पेशली यूरोपियन यूनियन, और यूएसए के द्वारा जो उनका सैंक्शन एक्ट है उसका नाम है काटसा। अगर इसकी फुलफॉर्म में पढ़े, अगर मैं इसकी फुलफॉर्म पढ़ू तो वो ये है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये एक्ट होने के बावजूद भी हमें इस बात का पूरा पता है कि भाई हमें अपने देश की सुरक्षा करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन, आरटी गन्स, ये आरटी गन है, और एयर डिफेंस गन्स चाहिए, और हमने बिना हिचकिचाए दो डील साइन कर दी कि तुम काटसा लगाओ यूएस से, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया हमारा अच्छा दोस्त है। और हमने उसे शो करा, क्या किया हमने, S-400 की डील कर ली और 2.2 बिलियन की फ्रिगेट की डील कर ली साइन हमने, और इस बात को देख के रशिया की कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट हुआ होगा, ये एक S-400 की पिक है। इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है उसका नाम है नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसका मतलब यह है कि हम किसी की तरफ एक साइड लेके हम अपना देश नहीं चलाएंगे या हम अपने देश के फैसले नहीं लेंगे। और ये जो एक नीति थी फॉरेन पॉलिसी, ये थी जवाहरलाल नेहरू साहब की। जवाहरलाल नेहरू साहब ने आज से जब देश आजाद हुआ मतलब तभी उन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन देखी कि हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो बिना दो सुपर पावर मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर, उन दोनों से हमें अपने बेनिफिट रीप करने होंगे। एंड दैट वाज वो एक समय था 1947 का जब दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और हमें अपने बेनिफिट वहां से रीप करने थे और अपने देश को डेवलप करना था। तो इसी फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए हमने रशिया को बताया, देखो हमें मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत जरूर है बट हम आप पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास और भी चॉइसेस हैं। और यही एक रीजन है कि हमारे पास हमने रशिया को एग्री किया और उन्होंने हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्कीम है और जिसकी वजह से हमारे जो T-72 टैंक है इंडियन आर्मी के, वो कंप्लीटली इंडिजीनियसली आज मैन्युफैक्चर हो पा रहे हैं। एंड हमने जॉइंट वेंचर मतलब रशिया और इंडिया के जॉइंट वेंचर से एक मिसाइल, मीडियम रेंज सुपरसोनिक फास्टेस्ट मिसाइल हमने बनाई है जिसका नाम है ब्रह्मोस। देखिए अब यहां पर अभी तक हमने बात कर ली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की, मिलिट्री की, अब आते हैं ट्रेड पे। हमारे बहुत साल तक 70 प्लस ईयर तक रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, आज भी बहुत अच्छे हैं। हमने उसमें बायलेटरल ट्रेड अपना शुरू किया 2002 के अराउंड और 1.5 बिलियन तक का ट्रेड हमारा आ गया। फिर उसके बाद हमारा ट्रेड 7 टाइम बढ़ा 2012 में, 12 तक की रिपोर्ट में, जो कि 11 बिलियन हो गया। नाउ रिसेंटली वी हैव डिसाइड कि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो 30 बिलियन का हो जाएगा। बट एक बात याद रखें, देयर इज नो फ्रेंड नो फो इन इंटरनेशनल रिलेशन, ओनली देयर इज अ परमानेंट इंटरेस्ट। रशिया ने इंडिया के साथ दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम उसे साउथ एशिया रीजन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लानी थी क्योंकि वहां पर यूएसए आ गया था। इंडिया ने रशिया के साथ रिश्ते इसलिए बनाए थे क्योंकि वो एक नया आजाद देश था, उसे कहीं ना कहीं एक अपलिफ्ट चाहिए था और रशिया एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस था दैट टाइम। तो ये होता है हमारा वीडियो का एंड। सो गाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो का अप्रिसिएशन करते हैं हर जगह। बट मैं आपसे कहूँगा आप यूट्यूब बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए वो देखना ज़्यादा आसान है कि मैं दिन में 50 बार यूट्यूब खोलता हूँ और शायद व्हाट्सएप दिन में एक बार भी नहीं, क्योंकि मैं अराउंड 50 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि मैं सारे मतलब व्हाट्सएप पढ़ पाऊँ, यदि व्हाट्सएप भरा हुआ रहता है पूरी तरह। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी रीजन है, आपको इंडिया इंडो रशिया चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप CDS के बारे में चाहिए, AFCAT के बारे में चाहिए, वो सब आप कमेंट बॉक्स में डालो और मैं फॉर श्योर वीडियोस बनाऊंगा, हम डिस्कशन भी करेंगे, पैरेलली ऑन व्हाट्सएप चल सकते हैं बट यूट्यूब पे कमेंट ज़्यादा करो, वहाँ पर डिस्कशन करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यूट्यूब मुझे पहुँच नहीं देता सारे कमेंट बॉक्स को एक साथ देखने के लिए,
एक ही पेज पर, चाहे 10 लोग कर रहे हो चाहे 20 लोग कर रहे हो। सो इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मेरा नाम है वहां पर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अंडरस्कोर करके आपको मिल जाऊंगा मैं, वहां पर आप जाइए, 131 फॉलोवर्स हैं हमारी फैमिली में, और मैं इस तरह आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वहां पर इंस्टाग्राम पर आपको मिलती रहेंगी। और इसके साथ मैं आपसे कहूंगा, मैं फेसबुक पे भी हूँ, वहां पर आप जाके फॉलो करें, आपको सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और कुछ और नहीं मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो देखना ना भूलें वहां पर। एंड फाइनली इस वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब पीडीएफ वो कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक है, वहां जाएं और वहां से आप डाउनलोड कर लें। और मैं आपसे विदा लेता हूं, एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करें, और आपका कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको लगता है एसएसबी में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।